वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई, और तब से आस पड़ोस के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था, और वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक इस दुनिया को करके रिवाइंड, बट बिलीव मी दिस इज नथिंग बट द कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है, पर हमने उसको वो इज्जत दी ही नहीं। हम पैसे वाले हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। और वो बेचारा डरता है कि कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए, वो अपने बच्चे को छू नहीं पाता है। ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है। इस देश को गरीब ही चलाता था, गरीब ही चलाएगा, हमें समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा। अब जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो इन लोगों को इज्जत देना, कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। आज डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है सबसे ज्यादा काम के, और मुझ जैसे बॉलीवुड हीरो हैं बस नाम के। हम बस पैसे दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, पर लड़ना उनको है, उन्हीं को सब कुछ सहना है। हमको तो सिर्फ घर पे रहना है, हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। I've never seen this road this empty, especially on a Monday. गेट से गाड़ी बाहर निकाले हुए काफी मुद्दत हो गई ऐसा लगता है। अमीर तो ये सब कुछ सह लेगा, लेकिन गरीब नहीं सह पाएगा। The people who are in privileged positions, I think they should be going all out for all the underprivileged ones who cannot afford like a single meal a day. So we hope we have positive times back again. This is the time to ask for forgiveness, for charity, and also express gratitude to the Almighty. इस पर कुछ लिखा था मैंने, गलतियाँ सारी बख्श दे अगर बख्श सके, गलतियाँ सारी बख्श दे अगर बख्श सके, दौलत शोहरत भी उतनी दे जो पच सके, ले ले वापस कुछ हैसियत से ज़्यादा दिया अगर हो तूने, ले ले वापस जो हैसियत से ज़्यादा दिया हो अगर तूने, बस ध्यान रहे कभी किरदार पे दाग ना लगे, बस ध्यान रहे कभी किरदार पे दाग ना लगे।